बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब करने अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर है और बेंगलुरु में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच और कल पहले रोज बारिश की वजह से एक गेंद भी डाली नहीं जा सकी थी और आज न जाने रोहित शर्मा को क्या हुआ कि ओवरकास्ट कंडीशन में एक ऐसी पिच पर जहां कल पूरा दिन कवर ढके थे और आसमान पर गहरे से बादल मौजूद थे और मैच मुकामी वक्त से कुछ 15 मिनट पहले स्टार्ट हुआ, वहां रोहित शर्मा ने एक क्या कहेंगे उसको एक हैरानकुन फैसला किया। उन्होंने जरा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजों को मैदान में उतारने का फैसला किया और नतीजा ये निकला कि भारत की क्रिकेट टीम अपनी तारीख के तीसरे कम स्कोर पर पवेलियन लौटी। अब इससे पहले और कम स्कोर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त दिखाई दे रही है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम मुल्तान टेस्ट मैच में इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर है, लेकिन पहले टेस्ट मैच में जब पाकिस्तान टीम 556 रन बनाकर इनिंग और 47 रन से मैच हार गई थी तो हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी कि जनाब इस टीम का कुछ हो नहीं सकता, जो टीम घर में 550 रन बनाकर हार जाए उस टीम को तो अब कोई ठीक कर ही नहीं सकता। लेकिन अभी ये गुफ्तगू ये बातचीत थमी नहीं थी कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भारत की क्रिकेट टीम अपने घर में सिर्फ 50 से कम रन पर पहली इनिंग में आउट होकर पवेलियन लौट गई। यही आजकल की क्रिकेट है। जनूबी अफ्रीका को UAE में अफगानिस्तान के खिलाफ तारीख में पहली मरतबा वनडे सीरीज में नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आयरिश टीम ने हैरानकुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फिर वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम जो थी उसने ऑस्ट्रेलिया को कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में हरा दिया। श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने घर में इंग्लैंड की उस टीम को हरा दिया जो कि इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में कुछ डिफरेंट ही क्रिकेट खेल रही है। ये तनकीद नहीं है, ये एक हकीकत पसंदाना तबसरा है, तजिया है कि क्रिकेट के खेल को अजीब इत्तेफाकात का खेल कहा जाता है और सब कुछ इस खेल में मुमकिन है। मैं जिस तरह बात कर रहा था कि हैरानकुन बात है कि भारत की क्रिकेट टीम जिसके पास नामी गिरामी बल्लेबाज हैं, जिसके पास किसी तारुफ के मोहताज बल्लेबाज मौजूद नहीं है, उसके 5 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट मैच की पहली इनिंग में दूसरे दिन सिर्फ 1.46 के रन औसत से 31.2 ओवर में आउट हो जाते हैं। यहाँ पर विराट कोहली, सरफराज खान, KL राहुल, रविंद्र जडेजा और रवि चंद्रन अश्वन अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाते। ये वही रवि चंद्रन अश्वन है जिनके नाम निफ्स हजार विकटे हैं, लेकिन बात सिर्फ इनकी बॉलिंग की नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में 3 हिंसों की इनिंग खेलना का भी रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं। लेकिन क्रिकेट का खेल है, कभी आप अच्छा नहीं खेलते, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब एक और चीज़ जो मैं आपके सामने रखता हूँ वो ये है कि जनाब भारत की वो टीम जो कि बेंगलुरु टेस्ट मैच में सिर्फ 46 रन पर मैदान से बाहर चली गई, अगर मैं जयसवाल की टेस्ट क्रिकेट में 3 सेंचुरियाँ हैं, रोहित शर्मा की 12 सेंचुरियाँ हैं, विराट कोहली की 29 सेंचुरियाँ हैं, ऋषभ पंत की 6 सेंचुरियाँ हैं, KL राहुल की 12 सेंचुरियाँ हैं, लगभग सिर्फ इन 7 बल्लेबाजों की टेस्ट क्रिकेट में जो है वो 60 के करीब सेंचुरियाँ हैं। जिस टीम के पास पहले 7 बैट्समैन जो टेस्ट क्रिकेट में कुल मिला के 12 सेंचुरियों के मालिक हों वो टीम जनाब रन बनाने की सेंचुरी भी ना कर सके, यही क्रिकेट है। और कुछ वो कहते हैं ना कि शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मारने का शौक था, तो रोहित शर्मा जो 2 रन बना के आउट हुए और फिर मैच के 7वें ओवर में पहला नुकसान भारत को उठाना पड़ा था जब भारत का स्कोर सिर्फ 9 रन था, लेकिन शायद किसी ने सोचा नहीं था कि 7वें ओवर में 9 रन पर पहली विकेट गिरी है, अब भारत की तबाही का सफर शुरू हो जाएगा। लेकिन ये भी याद रखने की बात है कि ऐसा पहली बार भारत के साथ नहीं हुआ। भारत की क्रिकेट टीम जो है जनाब फरवरी कुछ दिसंबर 2020 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 36 रन पर जो है
वो पवेलियन लौट चुकी है। ये वो टेस्ट मैच है बहुत जहां पर लेदे हुई थी, बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था भारत की क्रिकेट टीम को। उससे पहले भारत की क्रिकेट टीम का टेस्ट क्रिकेट में कम स्कोर जनाब 42 रन था, जब 1974 में वो लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान छोड़कर चले गए थे। और अब भारत की क्रिकेट टीम का ये टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे कम स्कोर है, जब भारत की क्रिकेट टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में 46 रन पर पवेलियन लौट गई है। तो इससे पहले भारत की टीम 36 रन पर 42 रन पर भी पवेलियन लौट चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की क्रिकेट खत्म हो गई, भारत के खिलाड़ी जो है उनको खेलना नहीं आता। खेल है, कभी आप बहुत बुरा खेलते हैं और शायद बेंगलुरु में वाकई भारत की टीम जो है वो बहुत बुरा खेली पहली इनिंग में और उनको 36 रन पर मैदान छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि ये ऐसा टाइम है जब जयशंकर भारत के वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करके भारत पहुंचे हैं, दो दिन वो पाकिस्तान में रहे और पाक भारत क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी चर्चा है, गुफ्तगू हो रही है। लेकिन आज सारी गुफ्तगू का जो महवर था वो भारत की बल्लेबाजी थी, जहां पर भारत की टीम सिर्फ 46 रन पर 31.2 ओवर में जो है वो पवेलियन लौट गई और परफॉर्म नहीं कर सकी भारत की बैटिंग लाइनअप। और इसके मरकजी किरदार जो थे वो मैट हेनरी थे और तीन फास्ट बॉलर के साथ इस टेस्ट मैच को खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम। टॉम लेथम इस मैच में क्यादत के फराइज अंजाम दे रहे हैं और हेनरी ने 5 विकेट की परफॉर्मेंस के साथ जो है टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 शिकार भी मुकम्मल किए और उनका भरपूर साथ दिया कैंटरबरी के विलियम और ओके ने, जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की, एक उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 1 विकेट जो है वो टिम साउथी के हिस्से में आई। तो भारत की टीम के पहली इनिंग के स्कोर 46 रन के जवाब में जब दूसरे दिन खेल खत्म हुआ तो 3.60 के औसत के साथ न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 180 रन बनाने में कामयाब हो गई थी और उसके तीन खिलाड़ी आउट हैं। 91 रन पर पवेलियन लौटे डेविड कॉनवे और बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर रिचर्ड रविंद्रा, 22 रन उन्होंने स्कोर किए हैं और डैरल मिचेल उन्होंने 14 रन स्कोर कर रखे हैं। कप्तान लेथम जो थे वो 12 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे और भारत के खिलाफ अब पहली इनिंग में न्यूजीलैंड की टीम को 134 रन की बरतरी मिल चुकी है। तो ये सारी गुफ्तगू करने का बुनियादी मकसद यह है कि क्रिकेट का खेल है और क्रिकेट के खेल में अदाद शुमार को बड़ा अहमियत हासिल है और भारत की ये वो क्रिकेट टीम है जिसके बारे में कहा जाता है कि जनाब ये टीम घर में शेर है। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको आप समझ नहीं पाते, जिसको आप हैंडल नहीं कर पाते, तो शायद भारत की क्रिकेट टीम के साथ ऐसा ही हुआ है। हालांकि ये वो टीम है भारत की जो कि होम ग्राउंड पर इंग्लैंड को इस साल 5 टेस्ट मैचों में 1 के मुकाबले में 4 टेस्ट मैचों से शिकस्त देकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर चुकी है। लेकिन बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने वाली भारत की क्योंकि टीम इस वक्त लाजवाब हो चुकी है बेंगलुरु में। और उसके बाद शायद मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लो अपने दाम में खुद सही याद आ गया। भारत में लोग क्रिकेट को जानते हैं, भारत में क्रिकेट के बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन का ताल्लुक भारत से है सचिन रमेश तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन का जिस बैट्समैन ने संघ में गोल किया उसका नाम है सुनील मनोहर गावस्कर, 10,122 रन। कभी हो जाता है तो भारत की क्रिकेट टीम अब 134 रन के खसारे में है और देखना यह है कि इस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम भारत को वापसी का मौका फराहम करती है या नहीं करती। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मुल्तान टेस्ट की पिच के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी और अगली वीडियो में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से करूँगा, मुसलसल 6 टेस्ट मैच हारने के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, तो मरता क्या ना करता हमने उस पिच का इंतखाब किया जिस पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था, हमने बाहर से स्कॉट के स्पिनर्स को टीम में इनवाइट किया, जो हमारी असल ताकत है हमने उस ताकत पर जाकर मैच खेलने की कोशिश की और जो भारत की टीम की ताकत है विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल, ये ताकत आज भारत की कमजोरी बन गई क्योंकि 5 बल्लेबाज अगर किसी टीम के अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हो जाए तब भी टीम 100 रन 125 रन कर सकती है। लेकिन भारत की टीम को आज ये मौका भी मयसर नहीं आया। 31 ओवर खेलने का मतलब यह है कि भारत की टीम ने लगभग 200 गेंदें पहली इनिंग में खेली लेकिन बावजूद उसके वो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलिंग अटैक के सामने आउट क्लास हो गए। अगर ये टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में खेला जा रहा था, वेलिंगटन में, ऑकलैंड में, बेसन रिजर्व पर, शायद बात समझ आती है कि जी
न्यूजीलैंड की पिच, न्यूजीलैंड की कंडीशन, न्यूजीलैंड की तेज हवा भारत की बैटिंग को उड़ा कर लेकर चली गई। लेकिन भारत की टीम अपने घर में 50 रन नहीं कर सकी एक इनिंग में, ये एक बड़ा सवाल है। तो सोचना होगा क्रिकेट इंडिया को, और अब देखना यह है कि इसका जवाब वो सेकेंड इनिंग में जो है वो उमदा कारकर्दगी से ही दे पाएंगे। उनके पास पूरी अहलियत है, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जयसवाल जिनको इंडियन क्रिकेट नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्यूचर स्टार कहा जा रहा है, कि वो किस तरह बाउंस बैक करते हैं, किस तरह कम बैक करते हैं, और क्या विलियम हेनरी एंड साउथी ने भारत की टीम को पहली इनिंग में अंडर 50 कंडीशन की वजह से आउट किया, पिच की वजह से आउट किया, मॉइस्चर की वजह से आउट किया, इसका जवाब भारत की टीम अपनी दूसरी इनिंग में देगी। तो फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक के लिए सैयद आयोसनी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।